अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इस वक्त इस्तांबुल में या गलाटा टावर पे मौजूद हैं और अभी रिसेंटली कोई 10 दिन पहले के करीब तुर्की में जो जलजला आया उससे शदीद तबाह हाल इलाकों में तबाहकारी मची और लोगों के घर बर्बाद हो गए। हमारे रेस्क्यू मिशन में भी मौजूद थे। बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर हम यहाँ इस्तांबुल में मौजूद हैं और यहाँ बिल्कुल दुनिया डिफरेंट है। वहाँ पर इबरत का बहुत सामान था और शायद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से इसी तरह हराम रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले ये दुनिया हिला दी गई थी और हज़ारों घर तबाह हो गए हैं, लाखों घर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं, मलबे तले दबे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी चूँकि व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, नौजवान हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अपनी जवानी की कदर करें, अपनी जवानी की कदर करें और उसे अल्लाह की बंदगी, अतात और फरमा बरदारी में गुजारें। ये ज़िंदगी एक लम्हे के अंदर तब्दील हो जाती है और आपकी अगली अबदी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लाइफ हेयर आफ्टर कहते हैं, अबदी ज़िंदगी। उसकी फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको उस ज़िंदगी की फ़िक्र करने की तौफीक अता करे।